हम लोग प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे किस तरीके से करना है। तो आइए देखिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे एक या दो बार वीडियो देखेंगे और थोड़ा सा जो है ध्यान देते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं समझ में, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर में आए हुए क्वेश्चन, बस उन्हीं को मैं रिवाइज कराता हूँ और किसी को नहीं। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले देखिएगा CBSE ऑल इंडिया 2008 में, क्योंकि मेरे पास जो बुक है वो पिछली मतलब 2013 के पहले की है, तो ये उस हिसाब से जो है इसमें ईयर है, न्यू नहीं है। ठीक है, पर पुराने क्वेश्चन ही रिपीट करते हैं। मान के चलिए ए एंड बी थ्रू अ पेयर ऑफ डाइस, ए और बी दोनों क्या करते हैं डाइस को टर्न बारी बारी से क्या करते हैं टर्न करते हैं, मतलब बारी बारी से जो है डाइस को टर्न करते हैं। फर्स्ट थ्रू 9 इज अवार्डेड अ प्राइस, मतलब फर्स्ट टू थ्रू 9 इज अवार्डेड अ प्राइस, अगर 9 आ गया तो उसको क्या मिलेगा अवार्ड मिलेगा। अगर फर्स्ट क्या है द फर्स्ट टू थ्रू, अगर पहला क्या करेगा उसको अवार्ड करेगा, अगर जो है अवार्ड होगा, अगर 9 बार क्या होगा 9 हमारा आ जाएगा तब। ठीक है, इफ अ स्टार्ट द गेम, ए स्टार्ट करता है गेम को, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग प्राइज इज, तो बताना है कि 9/17 प्रोबेबिलिटी क्या है गेटिंग प्राइज पाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे समझना, तो आप सब पहले समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सम जो होगा, सम ऑफ पेयर जो हम लेंगे दोनों का जोड़ क्या होगा वो 9 आना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए हमारी कंडीशन अगर हम देखें तो क्या क्या बन सकती है। देखिए 6-3 लेंगे और 3-6 लेंगे, 6-3 लेंगे। ठीक है, और उसके बाद 4-5 हो सकता है, और क्या हो सकता है 5-4, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, 9 और किसी में नहीं आना, इतने से आ सकता है। तो देखिए कितनी बार होगा 1, 2, 3, 4, इसका मतलब है हमारा जो अवार्ड की प्राइस होगी जिसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो अवार्ड वाली प्राइस जो होगी PE अगर लिख दें तो अगर हम ये कह सकते हैं कि 4/36 हो जाएगा, और काटेंगे तो 1/9 होगा। अवार्ड के लिए क्या होगा 4/36, क्योंकि ये यही सम आने की प्रोबेबिलिटी है, और जो अवार्ड नहीं मिलने वाला है वो होगा कितना कैसे पता चलेंगे, इसमें माइनस कर देते हैं तो बिना अवार्ड वाला 8/9 जो है ये दूसरा, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नॉट अवार्डेड के लिए आ जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं 36 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 32 हो जाएगा, 32/36 रख के काटेंगे तो 8/9 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अवार्डेड लिखेंगे, ये अवार्ड कब पाएगा देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर 1/9 आ जाए डायरेक्टली, मतलब चार बार क्या होगा चारों में से ये आ जाए, दूसरी बार क्या करेंगे अब इसमें देखिएगा 8/9 आया, दूसरी भी 8/9 आया, तीसरी बार में कितना आ जाएगा हमारा 1/9 आएगा तब भी मिलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा 8/9 आया, फिर 8/9 आया, फिर 8/9 आया, फिर 8/9 आ गया, फिर उसके बाद 1/9 आ गया। तो अब क्या करना है इसको देखिए, अब बड़ा नहीं ले जाना, 1/9 को कॉमन कर लेते हैं और यहाँ मिलेगा 1+8/9 का स्क्वायर प्लस अगले वाले को हो जाएगा 8/9 का पावर 4 प्लस अगला जो होगा 8/9 पावर 6 हो जाएगा, डैश 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 कर लीजिए। और ये हम लोग जानते हैं इसका क्वेश्चन किसका है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका होगा 1/ और ये हो जाएगा 1/8/9, ये इसको सॉल्व कर लेना, तो आपका 1/9 × 9 ऊपर हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, एक मिनट, 1/9 और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा इसमें 9, 1 हो गया, 9 ऊपर आ गया, तो आपका जो आंसर आया, ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, देख लिए ध्यान से, तब आगे जो है आगे बढ़ते हैं। आया समझ में, देखिए कुछ कट, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम लोग जो स्क्वायर था ना, तो यही तभी तो कहें क्या गड़बड़ा रहा, ये स्क्वायर जो होगा वो यहाँ स्क्वायर होगा,
तो स्क्वायर होने का मतलब है, चलिए देख लेते हैं क्या गड़बड़ी आ रही थी। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगे क्योंकि स्टार्टिंग का स्क्वायर है, तो आपका हो गया मान के चलिए यहाँ पे तो आपका मिल जाएगा यहाँ 9 स्क्वायर हो जाएगा। अपान यहाँ कितना होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 जाए 81, यहाँ पर हो जाएगा 64। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिए, 9 से 9 मान ले कट जाएगा तो 1 9 ऊपर बच गया, इसमें सबट्रैक्ट कर दीजिए, 11 में से आपका 7 हो गया और उसके बाद जो है ये हो गया 17। तो आपका आंसर आया 9/17। तो आपने देखा कि आपका 9/17 इस तरीके से आ गया। तो ये इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कि पहली बार में क्या होगा 1/9, और दो बार आपका जो है ये आ गया 1/5, चार बार ये होगा, फिर 6 बार ऐसे करके आपका कंटिन्यू आता रहेगा और आपने आंसर देख लिया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में एक बार और देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग प्रॉबिलिटी का। ठीक है,